जय श्री राम मित्रों। हनुमान जी श्री राम जी से आज्ञा लेकर प्रणाम करके द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी लेने के लिए चले। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रवंजन सुत बल भाषी। उधर रावण को जब यह ज्ञात हुआ कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहे हैं, तब काल नेमी राक्षस के पास गया। उहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमी ग्रह आवा और जाकर उससे कहा, तुम्हें एक काम करना है, रास्ता रोकना है। काल नेमी ने पूछा, किसका रास्ता रोकना है, आदेश करें। रावण बोला, हनुमान नाम का बंदर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, तुम्हें उसका रास्ता रोकना है। वह सूर्योदय से पहले यहाँ आने ना पाए। कालनेमी राक्षस ने जैसे ही हनुमान जी का नाम सुना तो बोला, क्या यह वही बंदर तो नहीं जिसने लंका जलाई थी। रावण ने कहा, हाँ हाँ वही बंदर, वही बंदर। तुम बहुत समझदार हो, जल्दी समझ गए, बस तुम्हें उसी का रास्ता रोकना है। कालनेमी ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। रावण ने कहा, तुम मरना नहीं चाहते हो, यदि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं है, किंतु मेरी इच्छा है कि तुम जाओ। कालनेमी ने कहा, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन वह वानर लंका जला कर गया उस दिन क्या तुम कहीं बाहर गांव गए थे। रावण ने कहा, मैं कहीं नहीं गया था, यही था। कालनेमी ने कहा, तुमने उस दिन उसका रास्ता क्यों नहीं रोका था जिस दिन वह लंका में आया था। महाराज उस दिन तुम भी तो यहीं लंका में थे, तुम्हारे सामने ही तो वह लंका जलाकर गया था। वह महाबली वानर, उसका किसी के भी द्वारा मार्ग रोकना असंभव है। देखत तुम ही नगर जही चारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने कहा, बेकार की बातें मत करो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। कालनेमी बोला, ठीक है, जा तो रहा हूँ, किंतु इतना समझना कि मैं वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा। तुम मुझे जाते हुए तो देख सकते हो, लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। रावण ने कहा, जाओ तो सही। कालनेमी राक्षस चला और जिस रास्ते से हनुमान जी जा रहे थे उसी रास्ते में उसने माया से एक पर्वत नदी और आश्रम का निर्माण किया। सर मंदिर बर बाग बनाया और वहां बैठकर राम धुन गाने लगा। हनुमान जी संत हैं और संत का स्वभाव होता है, जहां कहीं राम जी का कीर्तन, राम जी का मंदिर दिखाई दे वहीं ठहरने की इच्छा करते हैं। हनुमान जी के मन में भी आया कि कोई राम भक्त कीर्तन कर रहा है, इसके दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी वहां नीचे उतरे और कालनेमी के पास पहुंचे। कालनेमी ने हनुमान जी को नाम लेकर संबोधित किया। हनुमान जी ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो। वह कपटी बोला, अवश्य जानता हूँ, मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ है जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचा दूंगा, तुम यहाँ बैठो, कथा श्रवण करो, मैं तुम्हें शीघ्रता से वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले, ठीक है महाराज। कालनेमी ने कथा प्रारंभ की। कालनेमी ने कथा आरंभ में न मंगलाचरण कहा, न गुरु वंदना, न बाल कांड, न अयोध्या कांड, न किष्कंधा कांड, न आरण्य कांड, न सुंदर कांड। अब उसने कथा भी सीधे लंका कांड से प्रारंभ की। राक्षसों की कथा भी यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि लंका में तो रावण कथा होने ही नहीं देता था। कथा होना तो बात दूर की है, कथाकार को लंका से बाहर निकाल देता था। इस राक्षस को क्या मालूम कथा कैसे प्रारंभ करना चाहिए, कभी सुनी होती तो सुनाता। अब कालनेमी राक्षस ने कथा प्रारंभ की, कथा भी रावण के नाम से शुरू की। हो तो महारण रावण राम ही, मैं अपने ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ
राम जी जीतेंगे यह भी तय है, जीतिए ही राम न संशय या मही। हनुमान जी ने विचार किया, अभी राम रावण युद्ध प्रारंभ कहाँ हुआ है। फिर हनुमान जी ने विचार किया, शायद पहले से ही चल रहा होगा, मैं देर से पहुंचा हूँ। कालनेमी की कथा सुनने में हनुमान जी को प्यास लगी, प्यास लगना स्वाभाविक है। जब राक्षस कथा कहेंगे तो राम नाम की प्यास बुझ तो सकती नहीं, प्यास लगना ही है। हनुमान जी ने पानी मांगा, कालनेमी हनुमान जी को कमंडल देने लगा। मांगा जलते ही दीन कमंडल, राक्षसों को गुरु परंपरा का ज्ञान तो रहता नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि कमंडल तो केवल शिष्य को दिया जाता है, मुझे क्यों दे रहे हो। कालनेमी को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, उसने बात बनाते हुए कहा, तुम्हें शिष्य बनाना है इसीलिए तो कमंडल दे रहा हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा, क्या बिना स्नान के ही शिष्य बना लोगे, दीक्षा दे दोगे। कालनेमी को लगा फिर गड़बड़ हो गई, उसने फिर बात बनाते हुए कहा, हाँ हाँ तुम एक काम करो, सरोवर में स्नान करके आ जाओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हनुमान जी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। हनुमान जी सरोवर में स्नान कर रहे थे तभी एक मगरमच्छ ने हनुमान जी का पांव पकड़ा। सब पैठत कपि पद गहा, मगरी तब अकलान। हनुमान जी को डुबोना चाहा, तब हनुमान जी ने उस मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर पछाड़ा। वह मगरमच्छ किसी ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ की योनि में आ गया था। हनुमान जी के स्पर्श से वह पाप मुक्त हो गया। कपि तब दर्श भयउ निष्पापा, और अपने असली रूप में प्रकट होकर हनुमान जी से कहने लगा, तुम कपटी मुनि के कहने से इस सरोवर में आए हो, वह महात्मा बना हुआ कालनेमी राक्षस है। मुनि ने हो यह निश्चर घोरा, तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए उसने यह रूप धारण कर रखा है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है मैं अभी उसको मजे चखाता हूँ। हनुमान जी सरोवर से निकल कर आए। महात्मा बने कपटी मुनि ने कहा, आ जाओ अब मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, पहले दक्षिणा ले लो, फिर यदि जिंदा रहो तो फिर दीक्षा देना। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमही मंत्र तुम्हें देहु। हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का अंत कर दिया, सिर लंगूर लपेटी पछारा। कालनेमी राम जी का स्मरण करता हुआ ऊपर गया, राम राम कहीं छाड़े सी प्राणा। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंच गए। मित्रों मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मित्रों अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, हमारे भगवान श्री राम वहाँ विराजमान हो जाएंगे। इसी खुशी में 22 जनवरी को अपने घर पर दिया प्रज्वलित अवश्य करें। अब हमारे भगवान हमारे सरकार अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं तो दिवाली क्यों ना मनाएं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, एक बार फिर से 22 जनवरी को दिवाली मनाएं, हम सब मिलकर दिवाली मनाएं। और श्री राम के जयकारे रुकने नहीं चाहिए, तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है मुझे कमेंट में बताइए, और कमेंट में जय श्री राम की हाजिरी लगनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मित्रों ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर या श्री राम कथा का पाठ लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।